हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं संगीता और हम सब मिल गए हैं एक नई रेसिपी के साथ फिर से। ये नई रेसिपी है आंवले का मुरब्बा। इसे बनाने के लिए मैंने आधा किलो आंवला पहले ही पानी में डाल के छोड़ दिया था रात भर के लिए, और मैंने इसे सुबह निकाला है। निकालने के बाद हम इस सभी आंवलों में छेद कर लेंगे। छेद करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी चाशनी जो है आंवले में अंदर तक जाए। इसे बनाने के लिए हम चीनी या गुड़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसे बनाने के लिए धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल करेंगे। और मिश्री भी हमें लेना है 400 ग्राम। मैंने यहाँ पे मिश्री लिया हुआ है, आधा किलो आंवला, 400 ग्राम मिश्री। आप क्वांटिटी को ध्यान में रखें। और सबसे पहले हम पानी को गर्म कर लेंगे। जब हमारा पानी अच्छे से गर्म हो जाए, हम इसमें सभी आंवलों को डाल देंगे। कम से कम 3 से 4 मिनट तक पकाने के बाद हम इसे पानी से निकाल लेंगे। कलर भी चेंज हो जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा। मैंने ना मिश्री को थोड़ा चूर लिया है। आप चाहे तो मिक्सी में डाल के इसे पाउडर भी बना सकते हैं। हम आज को ना मीडियम में रखेंगे गैस की फ्लेम को। उसके बाद हम डालेंगे इसमें मिश्री। मिश्री डालने के बाद हम इसमें डालेंगे आंवला, और उसके बाद हम कम से कम 2 से 3 बड़े चम्मच पानी डाल देंगे। पानी आप जरूर डालें ताकि आपकी जो है चाशनी बर्तन में लगे नहीं और आपका आंवला जले नहीं। इस तरह से हम धीरे धीरे करके आंवले को चलाते हुए पकाएंगे। जब ये मुरब्बा रेडी हो जाए, हम इसमें 1/2 टेबल स्पून डालेंगे सॉल्ट पाउडर, 1/2 टेबल स्पून डालेंगे काली मिर्च पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून डालेंगे इलायची पाउडर। इन सबको मिला लेंगे हम अच्छे से। उसके बाद हम इसमें 1/2 टेबल स्पून डालेंगे सेंधा नमक। आप चाहे तो काले नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप काली मिर्च, इलायची, सॉल्ट इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं है तो। ये हमारा आंवला का मुरब्बा बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी है फ्रेंड्स। अभी तक देखने के बाद हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो, खुश रहो। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।